माश की दाल बनाई है सर्दियों में, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनती है और बहुत ज़ायक़ेदार। और इसके साथ एक अंडा उबाल ले सकते हैं आप, या आपको जितने होना है आप उबाल सकते हैं। वीडियो देखिए और बनाइए, बिल्कुल सिंपल इजी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ माश की खड़ी दाल। माश की खड़ी दाल विंटर सीजन में बहुत ज़बरदस्त रहती, आप ज़रूर बनाइए। और थोड़ी सी देर में बन जाने वाली और खाने में भी मज़ेदार और हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। और आप इसको नाश्ते में ज़रूर बनाइए और बच्चों को टिफ़िन में भी आप ये रख सकते। तो मैं एक कप माश की दाल ली और इसको 3-4 पानी से अच्छे से धो ली। और इसमें क्या करेंगे, एक गिलास पानी डालेंगे। आप इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक। कुकर में डाल देंगे, हम इसका ढक्कन लगा के एक 3 से 4 सीटी होने देंगे। 3 से 4 सीटी होने के बाद 2-3 मिनट धीमे पे छोड़ देंगे, बस इतना ही काफ़ी है। चाहे तो आप इसको भगोने में भी गला सकते हैं। अब हमारी अच्छे से गल गई, अब इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। और बिल्कुल पानी इसका सुखाना नहीं, थोड़ा हल्का सब इसमें इसका पानी रखना। एक कढ़ाई ली, उसमें ऑयल डाली, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। प्याज को अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब क्या करेंगे, 2-3 हरी मिर्चों को बारीक कट करके इसमें डालना और 50% फ्राई हो जाना है। बिल्कुल सूखी भी नहीं कर देना, क्रिस्पी नहीं करना, कच्ची भी नहीं करना, थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून असली घी। प्याज को अच्छा गोल्डन ब्राउन होने देना। प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए, फ्लेम को बंद कर देंगे और करिया पक डालेंगे। माश की दाल तैयार हो गई, बिल्कुल थोड़ी देर में ये तैयार हो जाती है। आप इसको ब्रेकफास्ट में गरम गरम रोटियों के साथ आप सर्व कर सकते हैं और बच्चों को भी आप टिफ़िन में ये रख सकते हैं। सर्दियों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त दाल है। चलिए, मेरी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।